गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा व्लॉग्स। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और मैं हूं सूर्या पटेल। तो गाइस, अभी हमने फिलहाल जो दो वीडियोस बनाए हैं वो हमारे लास्ट वाले चैलेंजेस के थे और हम लोग स्टेशन रेंडमली पहुंच गए थे और वहां पर भी हम लोगों ने गेम खेला। आज हम लोग आपको लेकर चलने वाले हैं मुलताई का जो बैतूल रोड बोलते हैं वहां से एक ट्रिप मारने वाले हैं सीधे मेन चौक, फवारा चौक, जयस्तंभ चौक तक। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इसके अलावा जो भी जानकारी बीच बीच में हमें समझ में आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। गाइस, हमारे चैनल को आप अच्छा सब्सक्राइब कर जरूर करें और जो लोग अभी भी नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओवर टू दीदी। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे स्कूटी से आए हुए हैं और हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो गाइज, अभी बज रहा है करीबन 4:30 और हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम करने के लिए। टर्न मार रहे हैं, यहाँ से टर्न मार लिए। गाइज, यहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी है बट अभी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन नहीं हो पाए, हम देखते हैं आज शाम में करवाते हैं। और गाइज, आज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो, कल का वीडियो हो तो वो ज़रूर देखिए और परसों का भी वीडियो, दोनों चैलेंजेस का। और कुत्ते को देखिए आप, गाड़ी से बबल हो रही है, टेढ़ा है वो। ऐसे पत्ता गोभी से भर ट्रक गया। क्या आप लोग भी पत्ता गोभी खाना पसंद करते हैं? जा रहे अपने खेत तरफ गाइस और देखते हैं। सूरज दिख रहा होगा गाइस आपको, सूरज दिखा है यार। तो गाइस, फ्रेंड्स, ये भाई हम चले सीधे सीधे हम चले आज थोड़ी सी गर्मी सी है और आप लोगों को पता होगा सभी को वो बांग्लादेश साइड से तूफान आ रहा है। नाम क्या है? सितरंग नाम है गाइस और वो बंगाल की खाड़ी साइड से आने वाला है। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स कोई उस तरफ हो तो आप जरूर ध्यान रखें। ध्यान भी रखें और साथ में इसका जो मतलब ये तूफान है इसका असर थोड़ा बहुत हर राज्य में देखने को मिलता है तो अपना भी ध्यान रखें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें क्योंकि मौसम भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और अभी कोरोना वगैरह का जो वायरस है वो भी समटाइम्स एक्टिव हो जाता है। हाँ, अलग अलग रूपों में आता है। ये देखिए गाइस, रस्सी गायों के बीच में से कृष्ण का नहीं है नहीं असली कृष्ण भैया, ये कृष्ण तो ये भैया है जो डंडा लेके जा रहे हैं, उनके हाथ में बांसुरी होना था। गाइस, कल जो पर्व स्किडिंग गाइस मनाया गया, कल और आज जो मनाया जा रहा है, आज भी कई जगह पे मना रहे हैं ना छठ का पर्व, कल परसों जो मनाया। अभी छठ का है? क्यों, छठ आने वाली है, सॉरी है ना। हाँ, अभी तो दूज ही गई ना, अभी जो भाई दूज के बाद कौन सा त्यौहार था, गोवर्धन पूजा थी शायद। हाँ, उसके पहले गाँव में इसको लेकर विशेष नृत्य होता है गाइस। हाँ, उसी दिन होता है, बांसुरी लेकर फिर मस्त डांस करते हैं और गाय वगैरह और बछड़ों के साथ गेम खेलते हैं, जस्ट लाइक जैसे कृष्ण जी खेलते हैं उसी अंदाज में। और ये कार वाले भैया तो साइड से आ गए हैं। छोटी सी क्यूट सी गाड़ी, छोटी सी है बट मोटी सी, 4-5 लोगों को ले जाने की क्षमता रखती है गाड़ी। अरे यार, हवा बहुत तेज चल रही गाइस, हम लोग नेशनल हाईवे पर हैं, थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ेगा और आगे वाला एरिया को क्रॉस करके आगे नहीं यहीं पर डाल देते हैं ना उधर का हवा भी। तो गाइस हम चल रहे हैं गाइस, यहां पर आगे की वगैरह भी डली हुई है, इसी में आप लोगों को उठाना है तो एडिट करना उठा सकते हैं, लोगों के काम में आ जाती है वो, तो फेंक दी गई है रोड के किनारे। गाइस भैया को आप देख रहे होंगे बकायदा फोन पर जब भी आप ऐसे बात करें तो एक साइड रुक करके करके बात करें, ये बहुत अच्छी चीज थी जो हमने भैया में नोटिस करी है। दुर्घटना से देर हुई भली। ओह माय गॉड, मेरा कितना टंग ट्विस्ट होता है।
चलते धीरे धीरे। तो गाइस अभी थोड़ा इधर काम था इसलिए हम रॉन्ग साइड पे, हमने हमारा काम कर लिया गाइस। और ये जो आगे आपको ब्रिज दिख रहा है ना, अब हम यहाँ से राइट नीचे तो से जाएंगे, नीचे से हम लोग राइट साइड टर्न लेकर फिर दूसरी साइड पे जाएंगे और फिर राइट साइड में हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड हो जाएंगे बट हम होंगे राइट तब। ओह माय गॉड, वेरी कंफ्यूज। अभी शाम का टाइम है और गाय चरा करके वापस आ जाते हैं। गाँव की लाइफ गाइस बहुत अच्छी होती है और हेल्थी होती है आज के टाइम पे। कई जगह आपने सुना होगा बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो मतलब आईएएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, समटाइम्स जब वो छुट्टियां मना रहे होते हैं तो वो लोग आजकल वो काय में जाते हैं ना, एक आश्रम टाइप में जाते हैं जो नेचुरल होते हैं, तो वहाँ जाकर फिर सारी चीज़ें वो करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टाइप। तो जब 5-10 दिन के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं तो उनको बहुत फ्रेश लगता है। तो सारी लाइफ अगर वो उसको अपनी क्या लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं तो क्या मतलब है। ये जो रास्ते निकली आपको हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे नीचे की तरफ और फिर थोड़ी देर बाद हम उधर ऊपर आ जाएंगे। हम यहाँ से उल्टे जा रहे हैं अंदर से, ये हमने मारा है टर्न और गाइस इधर साइड आप अगर जाते हो तो इधर मुल्ताई आ जाता है, मतलब ये पारेगांव रोड बोलते हैं इसको गाइस। इस तरफ अगर हम जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये पारेगांव रोड है और यहाँ लेफ्ट साइड नहीं ना, राइट साइड होगा ना। हाँ लेफ्ट साइड तो ये हो गया अपना मुल्ताई तो वो इसी को पारेगांव रोड बोलते हैं और इधर से बोलते हैं चले जाते हैं। अब हम आ गए ये पारेगांव रोड और गाइस इधर से सीधे हमने आपको घुमा चुके हैं, सीधे अगर हम जाते हैं तो पारेगांव और बलनी आ जाता है। अब हम यहाँ से गाइस बता चुके हैं आपको, तो ऊपर हम वापस नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। हे गाइस, सूर्य बोल रहे हैं यार एक तो गाइस मैं गाड़ी पर बैठा हूँ ऑब्वियसली और दीदी चला रही है गाड़ी। नेशनल हाईवे से होकर हम लोग जाएंगे पहले ढाबे तक, ढाबे से फिर अंदर जो मुल्ताई की तरफ रास्ता मुड़ता है हम वहाँ पर टर्न मारेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है और सर बकायदा इस तरफ से आ रहे हैं शैडो और देखते हैं। आप बैक कैमरे से देखिए और मजा लीजिए आज की हमारी ट्रिप का। बड़ा है और यहाँ ट्रक खड़ा है, दो दो ट्रक खड़े हैं मतलब, और हम अभी वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ तक हमने आपको बताया आज की ट्रिप होने वाली है। ये हमारा बैतूल तरफ जाने का सीधा रास्ता है और यहाँ पूरे ढाबे आपको दिखाई दे जाएंगे और यहाँ से हम मुल्ताई के अंदर तरफ चलेंगे। ये हम लोग यहाँ से टर्न लिए, बहुत चालू रोड रहता है गाइस, आप लोग भी देखकर गाड़ी चलाएं, चारों तरफ यहाँ पर नज़र रखें। और कार आ रही है उधर से, यहाँ से हम लोग सीधे चल रहे हैं, ये हम मुल्ताई की तरफ टर्न मार रहे हैं, मुल्ताई की तरफ गाइस टर्न मार लिए हैं। और यहाँ से एक्चुअली में हमको रोड ट्रिप दिखानी थी आपको, सीधे चलना ब्रेकर, पता लगना चाहिए गाइस को ये ब्रेकर्स की गाइस यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंस है कि सब लोग यहाँ पर स्लो हो जाते हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही ऊँचे हो गए हैं तो ठीक है, ध्यान रखें आप। चल रहे हैं यहाँ से सीधे सीधे और गाइस इस तरफ थोड़ी दूरी पर आपको पटरी दिख जाएगी, ये दिख रही होगी आपको पटरी रेलवे की। और सामने देखेंगे आप तो इस तरफ नेशनल हाईवे है और ये वाला जो रोड है ये पुराना बैतूल रोड है। पहले बैतूल वगैरह का इस नागपुर से भी जो भी हाईवे वगैरह क्रॉस होता था वो यही रोड से होता था और घंटन से यहाँ पे ट्रक खड़े होते थे, भयंकर ट्रैफिक होता था, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना भयंकर जाम होता था, कई किलोमीटर तक लंबा जाम होता। और आजकल तो ऐसा है कि नेशनल हाईवे पर आप लोग बैतूल जाना रहे तो
20 25 30 35 मिनट में पहुंच जाते। उस टाइम ट्रैफिक की वजह से दो दो घंटे भी लग जाया करते थे। भैंसी को देखो, मस्त आराम फरमा रही है भैंसिया, चिपका ले मेरे मुंह से बिल्कुल, उसको दूर कर देना यार थोड़ा अपनी तरफ रख। अरे तेरी आवाज भी आना चाहिए, वो बहुत चिपक रहा है मोबाइल में से। तो गाइस ये देखिए, हम आपको बता रहे थे रेलवे का, ये देखिए रेलवे की पटरी आपको दिख जाएगी, और यहाँ से जाते हैं गाइस, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो परमंडल की तरफ मुड़ेंगे, आगे हम चलेंगे तो, मतलब इसी को परमंडल भी बोलते हैं, पूरा एरिया ही परमंडल है, इधर से जौलखेड़ा जाते हैं ना गाइस, इधर से जौलखेड़ा जाते हैं, इधर से भी जाते हैं, एक रास्ता जाता है इधर से। लास्ट टाइम अपन जो गए थे वो नेशनल हाईवे से गए थे, हम लोग जब पिछले बार गए थे तो नेशनल हाईवे से गए थे। और ये वाला है, ये रेलवे फाटक फिलहाल बंद है गाइस, मतलब कोई ट्रेन में आने वाली है। और रेलवे फाटक को कई लोग टीएमटी के आजकल बहुत सारे, रेलवे फाटक को कई लोग गाइस उसके नीचे से गाड़ी निकाल के क्रॉस किया था, नाकोड़ा बोलने तो दिया गया, दो माकोड़ा। हां दीदी कुछ बोल रही थी गाइस। हां गाइस, जो भी जितने रेलवे फाटक के नीचे लगा रहता है और उसके नीचे से जो लोग निकलते हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और गाइस अभी भी बताया था दुर्घटना से देर बली। हाँ बिल्कुल, चली चली फिर हवा चली। मेरे को तो लगता है कि इसका टाइटल ही होगा दुर्घटना से देर क्षतिग्रस्त। गाइस यहाँ पे क्षतिग्रस्त पुलिया, मेरे को तो पुलिया ही नहीं दिख रही यहाँ पर, अपडेटेड होना चाहिए गाइस। बोर्ड भी बिल्कुल ऐसे रखे हैं, बारसों से लगे हैं। हमारे यहाँ तो जो चीज एक बार लग गई वो लग गई, हमें समझ में नहीं आता 25-30 साल तक तो कोई हाथ भी ना लगा वे। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और गाइस सिलेंडर की बुकिंग हमको भी लगानी है, सामने सिलेंडर दिख रहा है मुझे एचपी का, आजकल तो एचपी डेन और भारत गैस भी हो गई, पहले एचपी के टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी बीच में लोग, और उससे क्या होता है जब बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन कम होता है, फिर वहीं पे जमाखोरी भ्रष्टाचार और ऐसी मतलब नई नई परेशानी सब अब ले लेती है, तो काला बाजारी भी उस टाइम बहुत हुई थी। 500 400 या 300 का जो सिलेंडर था वो 700 800 तक उस टाइम बिकता था, उस टाइम मतलब। और गाइस इस बार अभी भी करीबन गाइस 10 से 12 साल पहले की बात है, अभी मैंने मीम्स वगैरह देखे थे कि 1000 रुपए के समथिंग सिलेंडर जा रहे हैं। और ये गाइस गुरु कृपा रेस्टोरेंट है हमारा, देख लीजिए आप, फैमिली रेस्टोरेंट है, और जब भी आपको आना रहे तो आप जरूर आए। गाड़ी कैसे बबल मार के बीच बीच में, ये बस कहाँ जाएगी गाइस। मैंने देखा इतने शाम में ज्यादातर जो बसें रहती है वो घूम फिर कर जाती है, मैगी की सुगंध आ रही है, और यहाँ से मैगी की स्मेल आ रही थी, सुगंध आ रही थी, और शायद इस लाइन पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हमको मिल जाएंगे। ये तो झूले झूल रहे हैं, और गाइस आप ये झूले का हम थोड़ा पूछते हैं, झूले को रोकने जरा भैया, झूले है क्या, कितने कितने के हैं? मोटा वाला 100 रुपए है, बड़ा वाला 200। बड़ा वाला कौन सा है, आप जिस पे बैठे हो? नहीं इनमें से कोई टंगा वाला है, ये काय की रस्सी है, नायलॉन वाली है, आप क्या मुल्ताई रहते हो, बाहर से आए हो? बाहर से आए हो आप, है ना, ये रस्सी तो अच्छी है यार, पर देखते हैं अभी अभी और लगाओगे ना, अभी एक दो दिन तो, एक दो दिन और लगाओगे ना, चलो फिर नहीं आते नहीं, अभी लेंगे लेंगे। गाइस यहाँ पे झूले टंगे थे तो हम अनायास ही रुक गए थे, और हमें तो झूला नहीं लेना था, बट हमारे कई व्यूवर्स हो सकता कि झूला वगैरह लेना चाहते हो, और रेट भी उनको पता होना चाहिए, इसलिए हमको थोड़ा बहुत पूछना पड़ा, अदरवाइज हम लोग ना तो रोकते हैं और ना ही रेट लेते हैं। नायलोन का भी था गाइस, और पुराना वाला भी था, ये कॉलोनी है, पता नहीं कॉलोनी के आजकल यहाँ पे भी घर बने हैं, ये कॉलोनी क्या, ये तो क्या बोलते हैं इसको, ड्रीमलैंड सिटी का दूसरा वाला गेट था गाइस, ड्रीमलैंड सिटी का मेन गेट अभी चला गया है। हम सीधे सीधे अब चल रहे हैं, तू चला ले अब,
रुक दे अभी जहाँ पे रुक गई गाइज, अब एक्सपेंडिचर चेंज कर रहे हैं हम लोग, जाता है ना। हाँ गाइज, यहाँ पर आपको सारे शोरूम्स मिल जाएंगे। हम बैतूल साइड से मुल्ताई की तरफ आ रहे हैं आजकल, ये रेलवे की तरफ से, और इधर वाले इसमें ना बीच में एक वॉल खड़ी हो गई है गाइज। हाँ, ये वाली इसको लेकर भी विवाद वगैरह था, अब ये सारी चीज़ें ठीक हो गई है, मतलब व्यवस्थित हो गई है दोनों चीज़ें। शोरूम्स यहाँ पे ट्रैक्टर्स के मिल जाएंगे आपको, और फोर व्हीलर्स के भी मिल जाएंगे, साइकिल, बाइसिकल्स। गाइस, दुनिया भर की हमारे यहाँ कॉलोनीज बन गई हैं। समटाइम्स तो इट फील्स कि अभी गाइस मैंने पढ़ा था कि अभी जो नीदरलैंड के खिलाफ भारत का मैच होने वाला था, उसमें होटल में इन लोगों को सैंडविच जो दिया था वो ठंडा वाला दे दिया था, और 42 किलोमीटर समथिंग दूरी पर इनको प्रैक्टिस सेशन के लिए भेजा जा रहा था। और गाइस 42 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है रन एक तरह से, हम लोग जाते तो एक तरह से जेट लैग टाइप हो जाता है आने जाने में। तो फिर इसको लेकर BCCI ने भी कड़ा रुख अपनाया था, और सारे खिलाड़ी भी एक्साइट हो गए थे कि अब हमको प्रैक्टिस पर ही नहीं जाना है। तो फिर भारत ने आराम किया था वहाँ पर, और नीदरलैंड के खिलाफ भी बहुत शानदार फॉर्म रही भारत की। गाइस, आपका कौन सा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है? अभी तो गाइस 2-3 ही चल रहे हैं। तो चल रहे हैं, बट होते ना सब सचिन तेंदुलकर किसी के रहते हैं भाई। हाँ गाइस, जैसा ऑल टाइम आपके फेवरेट जिसको आप मिस भी कर रहे हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को मिस कर रहे हो आप, अभी कोहली अच्छा खेल रहा है, और सूर्य कुमार यादव भी बहुत शानदार फॉर्म में है, स्काई बोला जा रहा है उसे, मतलब वो सूर्य कुमार यादव का शॉर्ट फॉर्म है। और गाइस, बातों ही बातों में, दो मुलाकातों में हम लोग पहुँच गए अरिहंत लॉन, और ज़्यादातर शादियाँ जो है स्टार्टिंग में गाइस एक पैनल के बतौर यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी, और काफ़ी समय अभी भी शादियाँ वगैरह चलती है गाइस। यहीं सामने पेट्रोल पंप वगैरह भी है, हम यहाँ से देखिए सिलेंडर के यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये सिलेंडर की एजेंसी है। ये चाय सुट्टा अगर आपको मारना हो, मतलब चाय पीना हो, तो हम लोग मतलब बहुत दूर से यहाँ तक आ गए हैं। ये मुल्ताई आपको पूरे तरह से एक्सप्लोर कर किया जा रहा है, रोड से दिखाया जा रहा है अभी तो। अंदर आप आएंगे तो बहुत शानदार चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इधर भी शोरूम है गाइस, ATM और गोल्ड लोन वगैरह भी यहाँ चालू हो गया, घर भी यहाँ पर एक से एक बन गया गाइस। हाँ बोलना, और पीछे टावर भी लगा है गाइस। हाँ, और गाइस टावर से याद आया कि आजकल जो टावर वगैरह है वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं पहले भी, तो आप लोग भी अपने घरों में जो टावर वगैरह इस्तेमाल करते हो, या आपके आसपास कई स्कूलों के पास भी मैंने लगे हुए देखे, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी जो रेज वगैरह निकलती है हमारी बॉडी के आर पार होकर जाती है, केवल मिट्टी को ये क्रॉस नहीं कर पाती है। आप भी आज भी देखना कि जो कच्चे मकान रहते हैं मिट्टी वाले, वहाँ पर नेटवर्क को लेकर इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहाँ तरंगे जो है मिट्टी को भेद नहीं पाती सही तरह से। बाकी हर तरह हर चीज़ को जैसे अगर क्रॉस करना हो तो तरंगे पहुँच जाती है वहाँ तक। नहीं नहीं, हम लोग गाड़ी आवाजारी। तो गाइज हमको एक काम भी था, हम वहाँ पे भी चलते हैं। ये गाइज हम लोग मुल्ताई बस स्टैंड पर आ गए। मुल्ताई बस स्टैंड जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पेट्रोल पम्प है, और ये सामने से आपको अंदर बस जाते हुए दिखेगी वो बस स्टैंड का एक रास्ता है, और एक ये मुल्ताई का बस स्टैंड है, ये वाला बड़ा वाला बस स्टैंड। और हम यहाँ से थोड़ा सा सीधे चलते हैं,
इतने बजे तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है गाइस मुंबई में, क्योंकि शाम का टाइम है, ऑफिसेज की छुट्टी हो जाती है, बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, मार्केट जाते हैं और पूरा दिन भर का काम भी वगैरह भी करते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा काम है तो टर्न मार रहे हैं, फिर वापस सीसी रोड पर आएंगे। हाथ देना, हाथ कैसे दूँ यार, चलते थोड़ा सा काम था तो सीसी रोड।